इन तमाम अधिकारियों को कहीं ना कहीं पदोन्नति का तोहफा राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आरएलपी अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा कि अगर केंद्र सरकार ने तीनों किसान बिल वापस नहीं लिए तो उनकी पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन पर विचार करेगी। उन्होंने अपने पत्र में किसानों को दिल्ली में बातचीत के लिए उचित स्थान देने की भी मांग की है। हनुमान बेनीवाल ने पत्र गृहमंत्री अमित शाह को लिखा है। पहले जो तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार लेके आई है, इनका विरोध मैंने किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे भी। और आज मैंने अमित शाह जी जो एनडीए के चेयरपर्सन है उनको ट्वीट के माध्यम से और पत्र लिखे मांग करी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो एनडीए को समर्थन दे या नहीं दे जारी रखें, इस पर पुनर्विचार पार्टी करेगी और हम किसानों के साथ हैं। आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे, किसान कौम को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम किसानों के साथ हैं। और इसमें शीघ्र प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इन किसानों से वार्ता करनी चाहिए, दिल्ली के अंदर इनको जो धरना स्थल है वो देने की जो मांग करें उसमें करना चाहिए। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।